नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन, आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। लॉकडाउन के खुलते ही अपराधों के बढ़ने का मामला भी शुरू हो गया है। दरअसल टंकारिया क्षेत्र में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर 5 लाख रुपए की नकदी और लगभग उतनी ही मात्रा में जेवरात चुरा ले गए। शहर के टंकारिया पंथ में चोरी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात चोरों ने यहां एक किसान के घर पर धावा बोला और परिवार के लोगों को कमरे में बंद कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस लाखों रुपए की चोरी के इस मामले की जांच कर रही है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही चोरी और लूट की वारदातें शुरू हो गई हैं। बीती रात बदमाशों ने चिंतामन थाने के ग्राम टंकारिया में लाखों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और नकदी एवं जेवरात चुरा ले गए। दरअसल बदमाश देर रात घर में खिड़की तोड़कर दाखिल हुए और घर के अलग अलग कमरों में सो रहे किसान परिवार के सदस्यों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया और घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश घर से अलमारी और बक्से आदि भी ले गए और गांव के बाहर खेत में ले जाकर सामान की तलाशी ली। सुबह चोरी की वारदात का पता तब चला जब कृषक नीलेश पटेल के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। इस पर उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी, पर उनके बेटे का कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। बाद में जैसे तैसे पड़ोसियों को फ़ोन कर दोनों के कमरों के बाहर से लगी कुंडी को खोला गया, तब परिवार को चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही CSP डॉक्टर पल्लवी शुक्ला सहित चिंतामन थाना प्रभारी प्रवीण पाठक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इस दौरान खोजी श्वान और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को भी बुलाया गया और चोरी के सुराग तलाशने की कोशिश की गई। CSP पल्लवी शुक्ला के मुताबिक जाँच की जा रही है, साथ ही चोरों को पकड़ने के लिए भी मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। कृषक परिवार के मुताबिक 5,30,000 की नकदी सहित करीब इतनी ही कीमत के जेवरात चोरी हुए हैं। रात को सर चोरी की वारदात हुई थी। हाँ? जो कि खिड़की तोड़ के चोर अंदर आए थे। ओके। बाहर से पापा और मेरा कमरे की कुंडियां बंद की, हमें अंदर बंद कर दिया। हुँ? और दूसरे रास्ते से चोरी करके निकल गए। क्या क्या सामान लगा? सर 5,30,000 के आसपास नकदी ले गए। हुँ? और लगभग इतने जेवरात। अच्छा, किसी का कोई मार्केट वगैरह हुई? नहीं नहीं सर, बिल्कुल मार्केट नहीं हुई। और इनके जाने के बाद हम पापा ने फोन लगाया कि मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा। मैंने खुला, मेरा भी नहीं खुला। जैसे जैसे मेरा खुला फिर पापा का खुला।